बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की मीठी चटनी। उसके लिए हमने दो कैरियाँ ली थी। दो कैरियों को कद्दूकश कर लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी कद्दूकश कर लिया। ऑयल लेंगे हम, साबुत लाल मिर्च है हमारे पास, थोड़ा सा नमक है, पुदीना है, किशमिश है, सौंफ है, कलौंजी है, मेथी दाना है, पिसी लाल मिर्च है, शक्कर है, 2 कप शक्कर लिया हमने इधर, और 1 कप इधर रख दिए, अगर ज़रूरत होगी तो और लेंगे, और थोड़ा सा विनेगर है। दो आम लिए थे हमने, कैरियाँ ली थी। कैरियों को हमने अच्छी तरह से छील के कद्दूकश कर लिया है। कलौंजी है 1/4 टीस्पून, ऑयल है 1 टेबल स्पून, मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, सौंफ है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, ऑप्शनल है, आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और हमारे पास है नमक 1/4 टीस्पून, किशमिश जितनी आपको चाहिए, विनेगर 1 टीस्पून, आखिर में डालेंगे हम। सबसे पहले हम ऑयल को लेंगे, 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम गरम तेल में मेथी दाना डालेंगे, लो फ्लेम पे बनाना है, और साथ ही में हम इसमें सौंफ डाल देंगे। इसके बाद चटकना शुरू हो गया, तब इसमें हम अदरक थोड़ा सा डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च डाल देंगे इसमें हम, किशमिश डाल देंगे, और सब इंग्रेडिएंट आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। अभी नमक, शक्कर, पिसी लाल मिर्च और पुदीना नहीं डाला है हमने। अब कैरी जाएगी इसमें जो कद्दूकस करके रखी थी। दो कैरी हैं, ये काफ़ी सारी हो गई कद्दूकस होने के बाद। अब हम इसमें सब चीज़ें डाल देंगे, पुदीना, नमक, पिसी लाल मिर्च और शक्कर। 2 कप सब शुगर लिया इसमें हमने। 5 मिनट्स में ये डन हो जाएगी। शक्कर मेल्ट होने लग जाएगी अभी। विनेगर भी अभी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून हमने विनेगर लिया, इसमें डाल देंगे, आप कम भी डाल सकते हो। सही होगा, हमारी ये जो है कैरी की मीठी चटनी ख़राब नहीं होगी। थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर लें, मीडियम पे कर लें। 5 मिनट इसे पकाना है, 5 to 10 मिनट्स में बस डन हो जाती है ये। 5 मिनट पानी बिल्कुल नहीं डलना है इसमें। खट्टी लगे तो थोड़ी एक शक आप इसमें और डाल सकते हैं। तीन मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया ताकि कैरी कच्ची ना रहे।
टोटल 5 to 8 मिनट्स में ये डन हो जाती है। ये थोड़ी कैरी कच्ची है, थोड़ी सी शक्कर हम इसमें हाफ कप और डालेंगे, हाफ से भी कम डाली है अभी हमने। टोटल 2.5 कप शक्कर गई है इसमें भी। खट्टी मीठी सी बनी है, बहुत मज़े की है। चटनी हमारी डन है, तो उसको हम निकाल के दिखाएंगे बर्तन में। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो किसी शीशे की जार में इसको रख लें। बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें। पराठे के साथ खाएं, बेसन की रोटी के साथ खाएं, या आलू के पराठे के साथ, सब चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। मीठी चटनी हमारी डन है, बना के आप ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसको जार में भरेंगे, इसलिए मैंने इसको एक वाइट बर्तन में निकाला है दिखाने के लिए कैसा इसका कलर आया। थैंक यू।